हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर एक चल रहा था पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग, जिसका सामान्य परिचय व उद्देश्य का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम पादप प्रजनन की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पादप प्रजनन की क्रियाएं, पादप प्रजनन की क्रियाएं अर्थात उन्नत पादप किस्मों का विकास किस प्रकार से किया जाएगा, वो पादप प्रजनन क्रियाओं में आप अध्ययन करेंगे, जिसमें उन्नत बीज के विकास से लेकर गुणन व वितरण तक की क्रियाएं सम्मिलित हैं। इसके कुछ बिंदु हैं। नंबर एक, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। नंबर दो, चयन। नंबर तीन, मूल्यांकन। नंबर चार, प्रसंस्करण। नंबर पांच, श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन। नंबर छह, नवीन किस्म का परीक्षण। नंबर सात, गुणन। और नंबर आठ, वितरण। ये पादप प्रजनन की क्रियाएं हैं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे आप। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना, प्रत्येक टॉपिक का डिटेल से अध्ययन करेंगे। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना यानी पादपों की जीनी रचना में परिवर्तन करना, एक प्रकार से आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना है। चयन करेंगे, जनकों का क्या करना होगा, चयन करना होगा। उनका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद में उनमें क्या करवाया जाता है, प्रसंस्करण कराएंगे। और उसके बाद में श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन करना होगा, नवीन किस्म का परीक्षण करना होगा, और अंत में गुणन व वितरण करना होगा। ये सब पादप प्रजनन की क्रियाएं हैं। ये सब पादप प्रजनन की क्रियाएं हैं, जिसमें उन्नत बीज के विकास से लेकर गुणन व वितरण तक की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जिनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। अर्थात नई पादप किस्म का विकास किस प्रकार से किया जाता है, सारे इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक एक बिंदु की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। ध्यान दें, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना क्या है, पादपों की जीनी रचना में परिवर्तन करना। पादपों की जीनी रचना में परिवर्तन करना आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना कहलाता है। इसकी जीनी रचना में क्या करना, परिवर्तन करना। यह निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। नंबर एक, जर्म प्लाज्मा। जर्म प्लाज्मा या जिसे कहा जाता है जनन द्रव्य। जर्म प्लाज्म क्या है, आपको पहले ही बताया गया था कि किसी फसल
या उससे संबंधित जातियों में पाए जाने वाले सभी जीनों को, सभी जीनों को उस फसल का जर्मप्लाज्म कहा जाता है। एक सफल पादप प्रजनन के लिए उपयोगी जर्मप्लाज्म का होना आवश्यक है। अर्थात जर्मप्लाज्म वह सामग्री है जिसके द्वारा उन्नत किस्मों का विकास किया जा सकता है। अर्थात आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने का बिंदु नंबर एक क्या है? जर्मप्लाज्म। नंबर दो, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन बोलेंगे। उत्परिवर्तन क्या है? किसी जीव के लक्षणों में होने वाले आकस्मिक वंशागत योगिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक उत्परिवर्तजन, उत्परिवर्तजन कहलाता है। ध्यान रखें कि उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तजन। ये दो प्रकार के होते हैं, भौतिक व रासायनिक उत्परिवर्तजन। भौतिक के अंदर अल्फा किरणें हैं, गामा किरणें हैं, जबकि रासायनिक उत्परिवर्तजन है इसके अंदर EMS, एथिल मिथेन सल्फोनेट व सोडियम एजाइड एक प्रकार से रासायनिक उत्परिवर्तजन कारक है। नंबर तीन है संकरण। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने का अगला बिंदु है संकरण। अर्थात इसमें दो भिन्न जीन प्रारूप वाली जातियों के बीच संगम कराके आनुवंशिक विविधता उत्पन्न की जा सकती है। उसके बाद में है बहुगुणिता। बहुगुणिता क्या है? किसी जीव की कई कोशिका में जीनोम की दो से अधिक प्रतियों का पाया जाना एक प्रकार से क्या कहलाता है? बहुगुणिता, जो आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने में भूमिका निभाता है। इसके बाद में अगला बिंदु है ग्रामीण। ग्रामीण क्या है? जब किसी जंगली प्रजाति को मानव के द्वारा खेती में उगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है उसे कहा जाता है ग्रामीण। अर्थात यह भी आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने का बिंदु है। पादप पुरिस्तापन, पादप पुरिस्तापन क्या है? कि जब किसी पादप को उस स्थान पर ले जाकर उगाना जो पहले वहां पर पाया या उगाया नहीं जाता उसे कहा जाता है पादप पुरिस्तापन। ध्यान रखें ग्रामीण किसी जंगली प्रजाति को मानव के द्वारा खेती में उगाने के लिए उपयोग में लाया जाना और यह है पादप पुरिस्तापन। ये सभी आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने में भूमिका निभाने वाले बिंदु हैं। प्रोटोब्लास्ट, आपको बताया गया था कि पादप कोशिका के भित्ति रहित भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटोब्लास्ट। और दो प्रोटोप्लास्टों के आपस में जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट संलयन। और इसी प्रकार से आनुवंशिक अभियांत्रिकी कि ये जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवंशिक पदार्थ जीन या डीएनए को काटना जोड़ना व ठीक करना क्या कहलाता है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो ये अपने बिंदु हैं आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के बिंदु जिनके इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे कि जैसे जर्म प्लाज्म है, उत्परिवर्तन है, संकरण है, बहुगुणिता है, ग्रामीण है तथा पादप पुरिस्तापन और उसके बाद में प्रोटोप्लास्ट, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। ये सारे एक प्रकार से आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के बिंदु हैं जिनका प्रत्येक में एक एक टॉपिक का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो प्रत्येक के डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।